तो गणित में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 to 100 लिखनी है। कुछ गिनती मैं लिख के दिखाऊंगा। वैसे 1 to 100 एक से 100 तक की गिनती आप सभी को भली प्रकार से आती होंगी, ये मेरा मानना है। 3 से 5 में आप पहुंच गए हो। तो जिसको नहीं आती है फिर भी कोशिश कर ले, अभी मैं थोड़े बहुत सिखा रहा हूँ, उस तरीके से उसको सीख ले और आगे अपने दोस्तों से या फिर अपने बड़े भाइयों से पूछ ले और तैयार करें 1 से 100 तक की गिनती। पहले तो हमने सबसे पहले लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इस पहले तो हमने इतना लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके आगे को हमने बोलना कैसा है, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 18, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 2, 3, 0, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42। ऐसे ही लाइन खींच लेंगे आप स्केल की, 43, 44, 44, 45, 46, 48, 48, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50। फिर बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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
39, 40, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. ठीक है, इतने तक मैंने आपको लिख के दिखा दिए। आप इसको 100 तक लिखेंगे और 100 तक लिखने के पश्चात इन गिनतियों को उल्टे क्रम में लिखेंगे। जैसे अब उल्टे क्रम में आपको कैसे लिखनी है, फिर मैं 50 तक मैंने जो लिखी है उन्हीं को मैं उल्टे क्रम में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे हमने फिर यहाँ से लिखना शुरू करना है, 50, 50, 50, 49, 49, 48, 48, 47, 47, 46, 46, 45, 45, 44, 44, 43, 43, 42, 42, 41, 41, फिर क्या आएगा, 41, 40, 39, 39, 38, 38, 37, 37, 36, 36, 35, 35, 34, 34, 33, 33, 32, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 28, 28, 27, 27, 26, 26, 25, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 19, 90, 18, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10 हट जाएगा अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और उसके बाद हम 1, then 0। ठीक है, तो ऐसे ही हम उल्टे क्रम में भी इसको लिख के तैयार करेंगे, ऐसे ही साफ सुथरे वर्क में ऐसे ही साफ सुथरे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको हम सीखे भी। ठीक है, उल्टा क्रम भी और सुलटा क्रम भी, 1 to 100। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में तैयार करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा इसको समझने की, इस टेबल को समझने की। और मैं इस टेबल को कैसे लिख रहा हूँ, इस टेबल को ऐसे लिखने की कोशिश अगर हम करेंगे तो हमको टेबल को लर्न करने से अच्छा है कि हम उस टेबल को लिखना सीखें। ये एक टेबल पहाड़े लिखने की ट्रिक है, इसको पहाड़ा कैसे लिखना है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमें जितने का पहाड़ा हमें चाहिए, हमने कॉपी में अपनी रूल खींच दी है और उस टेबल को हमने लिखना है, तो हमने पहले हमने 10 तक की टेबल हमने तैयार करने की कोशिश की है, आप भी ऐसे ही तैयार करेंगे। और उन लाइनों पे हमने फर्स्ट लाइन पे पहली की टेबल, दूसरी में दूसरी की, तीसरे में तीसरी की, चौथे में चौथी की, पाँचवीं, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, 10 तक की टेबल हम तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, अब इसको लिखने की तरीका, जब हमने ये लिख लिया उसके पश्चात हम क्या करेंगे, एक की टेबल की, दो, दो के बाद एक इसको जोड़ेंगे, तीन, फिर उसके नीचे लिख देंगे चार, फिर चार, पाँच, छः, छः, सात, आठ, आठ, नौ, दस, दस, ग्यारह, बारह, बारह, तेरह, चौदह, चौदह,
पंद्रह सोलह, सोलह सत्रह एक अठारह, अठारह उन्नीस और एक बीस। ठीक है, बनी कैसे टेबल देखिए। लिखने पहले हमने सबसे जितनी टेबल लिखनी थी हमने दस तक के लिए लिख ली। ठीक है, अब लिखने के बाद हमने क्या किया, एक के बाद गिनती शुरू की, एक दो, एक इसको गिना तीन, उससे नीचे जो खाली है उसमें लिख दिया चार, फिर चार में एक जोड़ा पाँच, फिर जो नीचे है उसमें लिख दिया हमने छः। ठीक है, छः में एक जोड़ा सात, छः के बाद गिना मतलब जोड़ो या गिनो, छः के बाद हमने गिना सात, फिर नीचे जो खाली है उसमें लिख दिया आठ। ठीक है, गिनती लिखते जाना हमने, आठ, आठ में फिर ऊपर जोड़ा नौ, फिर नीचे कर दिया दस। ठीक है, ऐसे करके हम बनाएंगे तो बीस, फिर यहाँ अब हमने तीन की लिखनी है, तीन तक पहुँच गए हम, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस। फिर चार, चार पाँच छ सात और एक आठ, नौ दस ग्यारह और एक बारह, तेरह चौदह पंद्रह और एक सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस और एक बीस, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, उनतीस तीस इकतीस बत्तीस, तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस, सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस, पाँच छ सात आठ नौ और एक दस, ग्यारह बारह तेरह चौदह और एक पंद्रह, सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और एक बीस, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और एक पच्चीस, छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और एक तीस, इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस और एक पैंतीस, छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस, इकचालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस, छियालीस सैंतालीस अड़चालीस उनपचास पचास। ठीक है, फिर छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकचालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़चालीस उनपचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ हैं चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ। ठीक है, फिर सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकचालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़चालीस उनपचास पचास इक्यावन बावन पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह
सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्रह अठारह उनतीस तीस इकतीस बत्तीस बहत्तर अस्सी नौ सत्ताईस अब आपने लिखना सीख लिया। इसको मैं 10 को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, 10 वाली रो ये आप कंप्लीट करेंगे, और 10 तो मैंने लिख के दिखा दी हैं, ऐसे ही आप 20 तक लिखेंगे टेबल, और उसको याद करेंगे। ये आपका गणित का काम है। लिखेंगे कैसे, पहले जितनी टेबल चाहिए मैं 10 तक की सिखाई, आप 20 तक की लिखोगे, पूरी कॉपी पे ऐसी लाइन खींचोगे, 20 तक की टेबल बनाओगे। 20 तक के लिए हमने 20 लाइन खींचनी पड़ेंगी, उसके बाद हमने काउंट करना है 1 2 3 4, लिखते जाना है खाली वाले स्थानों पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अगर हम टेबल को पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, 10 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छके 60, 10 सत्तर 70, 10 अठे 80, 10 नब्बे 90, 10 धाम 100। ऐसे ही 7 की टेबल पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्तावन 50, 7 अठा 56, 7 नब्बे 63, 7 धाम 70। देखिए कितना आसान है, आप सब सीख गए। 4 चार दुनिया 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्तर 28, 4 अठा 32, 4 नवा 36, 4 धाम 40। ऐसे ही फिर 2 की भी निकाल दी हमने, 2 दुनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 सत्तर 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 धाम 20। ठीक है, ये आपका गणित का काम है, और इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही करके दिखाएंगे। थैंक यू।